फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आपके घर में अगर इस टाइप से कोई भी एक टॉप शीट हैं दो जो कि आपके यूजफुल नहीं है, अनयूज्ड या बेकार हैं, तो उनसे किस तरीके से आप डिज़ाइनर बेडशीट या क्विल्ट कवर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टिचिंग आती ही हो, बस इसके लिए ज़रूरत है इस टाइप की कोई भी प्रिंटेड अगर आपके पास टॉप शीट है, यानी कि जिसको हम ओढ़ने वाली जो चादरें बोलते हैं, इस टाइप की जो चादरें होती हैं। तो ये मेरे पास, मैंने होम शॉप 18 से ली थी और काफ़ी टाइम पहले ली थी, लेकिन ये इसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। इसका प्रिंट वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी जो डबल बेड की बेडशीट थी उसको एक ही बार वॉश करने पर उसका सारा प्रिंट बिल्कुल हल्का हो गया, और उसके बाद में भी उसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया। तो अगर आप देख सकते हैं तो अभी भी ये काफ़ी सी थ्रू कपड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको ओढ़ूंगी तो इसमें ओढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एज ए टॉप शीट अगर इसको यूज़ करूंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ किया जाए, और क्यों ना एक अच्छी सी चीज़ बनाई जाए, एसी क्विल्ट कवर बनाया जाए, जिससे कि हमारे ये मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने बेड को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप यूज़ डेली यूज़ भी कर सकते हैं एसी में, या फिर हल्की सर्दियां होती हैं तभी भी। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको प्लेन बेडशीट भी यूज कर सकते हैं, और आप इसके लिए आप इस तरह की कोई भी प्रिंटेड बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डबल बेडशीट नहीं यूज़ करनी है। या तो सिंगल बेडशीट होनी चाहिए, या फिर जो ओढ़ने वाली चादरें होती हैं वो। मैं आपको सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करा रही हूँ, आप अपनी इमेजिनेशन लगा करके और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि आप इससे कैसे करके कर सकते हैं। ये दो बेडशीट ले रही हूँ मैं, और इनको हम इस तरीके से पहले फैला लेंगे। तो एक बेडशीट को मैंने इस तरीके से बिल्कुल स्प्रेड कर दिया है, और दूसरी बेडशीट जो है ये है, सेम एक जैसी ही बेडशीट है मेरे पास दोनों। तो एक को मैंने सीधा करके बिछाया है, और दूसरी बेडशीट को मैं इस तरीके से उल्टा करके इसके ऊपर बिछा दूंगी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो प्रिंट हैं, ओरिजिनल प्रिंट हैं, ये अंदर के साइड में आएंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इनके दोनों कॉर्नर को एक साथ मिला लूँगी। आप ये देखिए, ये कॉर्नर लिए हैं, और यहाँ पर पूरी इस तरीके से स्टिच कर दूंगी। ये एक कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पर इसको स्टिच कर दूंगी, लेकिन स्टिच करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की एक बराबर होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई को माप करके तभी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए मैं पहले स्टिचिंग कर लेती हूँ। हाँ, स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इसको मैं बिल्कुल प्लेन स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये डबल स्टिचिंग, डबल जो बेडशीट हो जाएगी तो ये काफ़ी मोटी हो जाएगी, तो मुझे इतनी ही चाहिए। अगर आप इसको और भी ज़्यादा हैवी या और डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं, तो इसमें मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है बहुत तरह की फोम शीट होती है। तो एक पतली सी फोम शीट जो होती है, थिन वाली, वो इसके बीच में आप लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद में कब लगानी है और कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो उससे आपकी जो है और भी ज़्यादा डिज़ाइनर एसी ब्लैंकेट शीट हो जाएगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक मतलब किनारे के किनारे, बिल्कुल एजेस, कोना टू कोना हमें लेकर के, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये है ना, इस कोने से लेकर के, अगर आप देख पा रहे हो, इस कोने से लेकर के इस कोने पर मुझे यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है, और ऐसे ही लंबी में करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से हमारी चादर है, तो मुझे इस कोने पर भी सिलाई लगानी है, इस पर भी लगानी है, और इस पर भी लगानी है। तो तीन तरफ से मैं अभी इसको स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यह है मेरी टॉप शीट, जिसके मैंने तीन कोने सिल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने छोटी करके की है, इसकी फोल्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। एक कोना ये है, यहाँ से लेके ये, इस तरीके से ये पूरा ये मैंने स्टिच कर दिया है, और लंबाई में भी ये पूरा सीधा मैंने स्टिच कर दिया है दोनों साइड से। और उसके बाद में जो चौथा साइड बचा था, उसको मैंने आधा स्टिच कर दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको,
ये है चौथा साइड जिसको मैंने आधा स्टिच कर दिया है और इतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, इतना पोर्शन मैंने स्टिच नहीं किया है। अब हमें क्या करना है कि अगर आपको बनाना है हैवी एसी क्विल्ट जो आपको विंटर में भी यूज़ में आ सके, तो आप इसके अंदर एक जैसे कि इसके इसको सीधा करिए और फिर इसके अंदर एक पतली सी शीट इसकी डाल सकते हैं, जो फोम शीट होती है फोम शीट डाल सकते हैं और ले करके फिर इसको सीधा करें, और सीधा करने के बाद में ये जो इतना पोर्शन जो बचता है इसको आप सिल दीजिए। और अगर आपने वैसे मेरे हिसाब से तो अगर आप गर्मियों के लिए एसी शीट बना रहे हैं तो ये तीन साइड से आपने स्टिच कर दिया और जो चौथा साइड हमने आधे से ज़्यादा स्टिच किया था और जो पोर्शन छूट गया है उसमें से निकाल करके इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये मेरी अब जो बेड शीट होगी ये दोनों तरफ से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो अब मैं आपको पहले इसको सीधा कर दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद में चारों कॉर्नर पर से ये सिल गया है। तो बेसिकली ये हमारा आगे से और पीछे से दोनों साइड से एक जैसा ही प्रिंट आ जाएगा अब, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। और ये काफ़ी थिक भी हो गई है, मोटी हो गई है हमारी बेडशीट। तो ये देखिए पहला कोना है, ये दूसरा है, ये तीसरा कोना है और ये चौथा कोना है। तो चौथा कोना जो है ये इतना अभी छूट गया है। तो अब हमने इसको सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे यहाँ तक बिल्कुल बंद, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। और जो हमारी ये जो ये पूरा बंद हो जाएगा और उसके बाद में क्या करना है वो भी अभी पहले स्टिच कर दूँ फिर बताती हूँ। एसी क्विल्ट या एसी शीट या फिर इसको बेड कवर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हमारा बहुत ही खूबसूरत सा इनएक्सपेंसिव बेड कवर बन करके रेडी हो गया है और इसको आप एज ए डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने बेड पर स्प्रेड करेंगे, किसी भी प्लेन बेडशीट के ऊपर प्रिंटेड बेड कवर या बेड शीट आपने एसी शीट बनाई है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। जैसे कि ये मेरा पिंक ऑन पिंक ही है देखिए, लेकिन पिंक मेरी बेडशीट है और पिंक कलर के ही इसके ऊपर क्रीम कलर और पिंक कलर की मेरी जो बेड कवर बन गया है, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसके ऊपर बहुत अच्छे से जा रहा है। और अगर आपका जो बेडशीट या क्विल्ट आपने बनाई है, एसी शीट बनाई है, वो प्लेन बेडशीट की बनाई है, तो उसको आप प्रिंटेड के ऊपर भी बिछा सकते हैं। और अगर आपने इसको थोड़ा थिक करना है तो आप इसके अंदर, जैसा कि मैंने दो बार बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कोई भी फोम शीट डाल सकते हैं, और चाहें तो इसको और भी स्टाइलिश बनाने के लिए बीच में फ्रिल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो इसलिए मैंने इसके अंदर फ्रिल्स ऐड नहीं की हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि फ्रिल्स का फैशन जो होता है वो ट्रेंड जो होता है वो कभी रहता है कभी चला जाता है, प्लेन का जो ट्रेंड है वो कभी जाता नहीं है। और ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसको और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए इसको यूज करने से पहले एक बार यहां पर इस तरीके से आयरन आप सभी कोनों पर कर लेंगे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और मैंने इसको फोल्ड करके लगाया है, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, मैंने तिरछा करके लगाया है इस तरीके से, आप इसको चाहें तो सीधा रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी डिजाइन बना सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दे। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।